सभी को दिवाली और बेस्ता बरस की अग्रिम शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। ये दिए मैंने घर पर ही बनाए हैं। इन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस, गार्डन साइल या वाइट सीमेंट से बनाया जा सकता है। कैसे बनाएं देखिए। मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है, 1 कप प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया और इसमें फेविकोल जो एज एन एडिसिव हम यूज़ करते हैं वो 1/4 कप इसमें ऐड किया। जो नीचे लगा रहता है उसे हम पूरा अच्छी तरह से निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे। वो हाथों से इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके जितना भी फेविकोल बचा है उसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही मैंने कोल्ड क्रीम ली है, कोई सी भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है जस्ट फॉर लश्चर एंड इलेस्टिसिटी। इन सारी ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, एक डो बना देंगे। शुरुआत में हम देखेंगे कि तो बहुत स्टिकी होगा, हाथों पे बहुत चिपक जाएगा, पर कुछ ही देर में ये एक अच्छा क्ले फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से एक डो बन गया है, बहुत ही सॉफ्ट क्ले जैसा हो गया जिसे हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे गुड़हल की पत्तियाँ लिए और पान का पत्ता लिया है, साथ ही मनी प्लांट की पत्तियाँ भी ली और छोटी छोटी सी कांच की कटोरियाँ भी ली है। हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है वैसलीन से और इस क्ले से जो हमने बनाया है ये मैंने एल्यूमिनियम फॉइल ली है उसे भी ग्रीस कर दिया है वैसलीन से, बेलन उसे भी ग्रीस किया है, एक छोटा सा पार्ट उस पर रखा है और उससे बेल दिया है। देखिए इस तरह से चिपकता है शुरुआत में, लेकिन हम थोड़ा सा इसको वैसलीन से ग्रीस कर देंगे तो इतना नहीं चिपकेगा। इसे डबल फोल्ड करें और इस तरह से इसको बड़ा कर लें, इजीली रिमूव हो गया है। यहाँ पे जो भी शेप का हमें या जो भी हमें कार्विंग देनी है वो वाला पत्ता इसमें हम स्टिक कर देंगे। जैसे ये मैंने गुड़हल की पत्ती ली है, इसे हल्की से स्टिक कर दिया और बेलन से इसे प्रेस कर दिया तो जितनी भी इसकी वेंस है पत्तियों पत्ती की वो सारी इस पर उकर आएगी और बहुत ही अच्छा लुक देगी। बहुत अच्छा है कार्विंग वाला इसमें लुक आ जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा है क्ले उसे हम चाकू से हटा देंगे। देखिए इस तरह से पत्ती बिल्कुल अच्छे से चिपक जाना चाहिए तो ही इसकी जो भी वेंस है उसका डिज़ाइन आएगा। कोई भी नीडल या चाकू की मदद से जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्ले है उसे रिमूव कर देंगे। देखिए हाथों की सहायता से हम सारे कॉर्नर्स को अच्छी तरह से प्रेस करके शेप दे देंगे इस तरह से। ये हो गया है। अब हम इसकी जो ग्रूव्स हैं लीव्स में जितने भी किनारे होते हैं, क्योंकि इसकी ब्यूटी उसी से आती है, उनको चाकू की मदद से इस तरह से इन ग्रूव कर देंगे। वो क्ले इतना सॉफ्ट होता है और लचीला होता है कि आप आसानी से इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से चाकू से इसको इन ग्रूव कर देंगे। अब अगर बारीक है तो हम उसे नीडल से भी अच्छी तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए इतना अच्छा किनारे, हर किनारा उभरा हुआ पत्ती की ही तरह इसमें भी बन गया है। ये देखिए इस तरह से हम नीडल से भी इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्लास की एक छोटी सी कटोरी ली है और उसमें इसको सेट कर दिया। ग्लास में भी हमको थोड़ा सा वैसलीन से ग्रीस कर देना है और जो भी शेप है उसमें इसे रख देना है, थोड़ा सा नीचे अंदर की तरह घुमा के। ये मैंने दूसरा जो लिया है वो पान का पत्ता है, ये मैं एक बड़ा दिया बना रही हूँ। इसी तरह से सेम मेथड है, वैसे ही बनाया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर बनने वाला है ये। ये देखिए मैंने ये सारे पत्ते बनाए हैं। जब भी हम बाउल में रखें तो थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा के रखें ताकि हमारा जो दिया है वो गहरा बन जाए और हम उसमें तेल या घी कुछ भी अच्छी तरह से भर सकें। और इनको ऐसे ही हमको कम से कम 3 से 4 घंटे छोड़ देना है। बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है।
फिर हम केयरफुली इसको निकालेंगे। तो देखिए आप जो भी पत्तियों की जो अंदर की वेंस होती है उसका पूरा डिज़ाइन इसमें वो करके आ गया है। हर पत्ती का शेप इसमें देखिए पूरी लाइंस दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत ही नेचुरल और बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए पान का, ये सारे हमारे रेडी हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं। इन्हें हम कोई भी एक्रेलिक कलर से या जो भी आपके पास कलर है उनसे इन्हें रंग सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर से इन्हें पेंट कर रही हूँ। इसमें कोई प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ही वाइट है। जो कलर आप करना चाहे आप कर सकते हैं। मैंने भी इन्हें चार रंगों में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में रखा है। अगर आप भी इनमें कोई और भी शेड करना चाहते हैं या और कोई पैटर्न भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी वेंस दिखाई दे रही है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये हमारे सारे कलर्स के रेडी हो गए हैं, सारे दिए बिल्कुल जल्दी से ड्राई हो जाते हैं ये, क्योंकि क्ले पे हम जब भी कोई पेंट अप्लाई करते हैं तो वो इमीडिएट ड्राई हो जाता है। तो इस दिवाली पर आप भी बनाइए अपने घर में दिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप भी ज़रूर बनाइए ये दिए और सबको दिवाली की और बेस्ता बरस की अग्रिम शुभकामनाएँ। हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।